आज दिनांक 31/8/2020 को बीएमसी की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 20 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। पहले जो है 55 वर्षीय महिला हैं, ये चक्राघाट से हैं। दूसरी जो है 49 वर्षीय महिला, ये भी चक्राघाट से हैं। तीसरे जो है 55 वर्षीय पुरुष, ये ऑफिसर कॉलोनी सागर से। चौथे भी जो है ये 25 वर्षीय पुरुष, ये भी ऑफिसर कॉलोनी से। पांचवे जो हैं ये 59 वर्षीय पुरुष, ये राजीव वार्ड बीना से हैं। इसके अलावा छठवें जो हैं 48 वर्षीय पुरुष, शिवाजी वार्ड सागर से। सातवें जो हैं ये 40 वर्षीय महिला, बाहुबली कॉलोनी से। आठवें 26 वर्षीय पुरुष, ये हॉक कैंटीन के पास मकरोनिया से। नौवें जो हैं ये 32 वर्षीय महिला हैं, केसली से। दसवें जो हैं ये भी 37 वर्षीय महिला हैं, केसली से। ग्यारहवें 32 वर्षीय पुरुष, मोदीनगर से। बारहवें जो हैं ये 82 वर्षीय महिला हैं, गांधी चौक बड़ा बाजार सागर से। तेरहवें 53 वर्षीय पुरुष, ये लक्ष्मीपुरा वार्ड से। चौदहवें जो हैं 56 वर्षीय पुरुष, ये कैंट सागर से। इसके अलावा पंद्रहवें जो हैं 45 वर्षीय महिला, इंदिरा कॉलोनी सिविल लाइन से। सोलहवें जो हैं 30 वर्षीय पुरुष, मोदीनगर से। सत्रहवें जो हैं 77 वर्षीय पुरुष, ये पुरवाऊ डोरी से। अठारहवें 40 वर्षीय पुरुष हैं, जो मोतीनगर सागर से हैं। उन्नीसवें जो हैं 72 वर्षीय पुरुष, ये नरियावली से हैं, नरियावली से। इसके अलावा आखिरी जो हैं ये 47 वर्षीय पुरुष, ये मस्जिद वार्ड बीना से हैं। इसके अलावा अच्छी खबर आज ये है कि 12 लोग जिनका इलाज चल रहा था कोरोना का, ये पूरी तरह स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और सागर के लिए आज कोई बुरी खबर नहीं है, हालांकि दूसरे जिलों के कुछ मरीज जो थे, तीन व्यक्ति दमोह के जो थे इनकी मृत्यु हो गई है, एवं एक व्यक्ति छतरपुर के थे तो इनकी भी आज सुबह मृत्यु हो गई है। तो आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखें। नमस्कार।